Good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to chapter 1, part 6, term 2, exercise 6. Question number 1, compare the fractions and tell the greater 1. इसमें students हमने क्या करना है? हमने fractions को compare करना है और बताना है कि बड़ा fraction कौन सा है. अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास fractions हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 4, इनमें से हमने बताना है स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट बड़ा है. 1 अपॉन 2 इट मींस 1 के 2 पार्ट, इट मींस 1 के 2 पार्ट, हाफ ऑफ मिलाकर क्या हो गए 1, एंड 1 अपॉन 4 1 के 4 पार्ट. तो क्या हुआ, ये पार्ट छोटे हो गए. अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं. आप ऐसे बॉक्स बना लेंगे जिसको कि हमने क्या कहा है, 1 माना है, रिप्रेजेंट क्या किया है 1. इसमें हमने हाफ बॉक्सेस को कलर करना है. तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 2. नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन 4, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स को हम 4 में से 1 को शेड करेंगे. अब देखिए, इनमें से बड़ा आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, 1 अपॉन 2, क्योंकि इसमें 2 बॉक्सेस फिल हुए हैं, इसमें 1 बॉक्स फिल किया गया है. इट मींस कौन सा बड़ा है, 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 4. क्लियर. नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पर. इसमें देखिए 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 4. इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 10 बॉक्सेस बना लेंगे जिसमें कि हम एक बॉक्स को क्या करेंगे, शेड देंगे. क्लियर. अब देखिए एंड 1 अपॉन 4, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे और हम 1 को शेड देंगे. अब देखिए स्टूडेंट, 4 में से तो 1 बॉक्स को शेड दिया गया है और 10 में से भी 1 बॉक्स को शेड दिया है. इट मींस ये बॉक्स कम थे, फिर भी इनमें से एक बॉक्स को शेड दिया है, ये बॉक्स ज्यादा है फिर भी इसको एक बॉक्स को ही शेड दिया है. मतलब 1 का 10th पार्ट एंड 1 का 4th पार्ट, 1 का 10th पार्ट एंड 1 का 4th पार्ट. समझ आ गया स्टूडेंट आपको. अब देखिए ऐसे समझेंगे आप, 1 अपॉन 4, 1 का कितना हो गया 4th पार्ट हो गया और ये क्या हो गया 1 अपॉन 10, ये क्या हो गया 1 का 10th पार्ट. कितना पार्ट, 10th पार्ट. क्लियर. तो इनमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1 अपॉन 4. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.